वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए वाजवान स्टाइल यखनी। अब आप वाजवान स्टाइल यखनी घर पे भी बना सकते हो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यखनी के लिए चाहिए मीट स्टॉक। ये हमने अब यहाँ पे मटन लिया, इसमें हमने ऐड किए 2 चम्मच सौंफ के। मीट स्टॉक की हमें ज़रूरत है यखनी के लिए। अब हम ऐड करेंगे यहाँ पे 1 चम्मच जिंजर पाउडर और हम ऐड करेंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो और इसे हम स्टीम पे लगाएंगे। दूसरे साइड से हम लेंगे दही। दही को हमें अच्छे से ब्लेंड करना है। यहाँ पे हमने 1 चम्मच नमक ऐड किया यहाँ पे। अब हम ऐड करेंगे इसमें 1 बड़ा चम्मच तेल का। ठंडा तेल हमने यहाँ पे ऐड किया। ध्यान रहे हमें गर्म तेल ऐड नहीं करना है, ठंडा ही ऐड करना है हमें। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले, 4 से 5 स्टिक्स दालचीनी, 4 से 5 इलायची और 2 बड़ी इलायची। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे। जैसे हम मसाले ऐड करेंगे उसके बाद हम इसे ऑन करके इसे हिलाते रहना है हमें। ध्यान रहे हमें इसे कंटिन्यूसली चलाते रहना है, हमें छोड़ना नहीं है, नहीं तो दूध फट जाएगा। यहाँ पे हमने थोड़ी सी हल्दी इसमें ऐड की, 1 पिंच हल्दी। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे 1 चम्मच बटर का। आप चाहो तो आप घी का भी ऐड कर सकते हो, इससे अच्छा टेस्ट आता है यखनी में। जैसे ही यखनी में उबाल आ जाएगा आप चलाना छोड़ सकते हो, फिर दूध को फट जाने का खतरा बिल्कुल भी नहीं है। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे इसमें ये मटन जो हमने स्टीम पे लगाया था, ये तैयार हो चुका है। अब हम ये मटन ऐड करेंगे इस दही में। ये बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। आप ये ट्राई ज़रूर करना, मुझे ज़रूर बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी। सारा मटन हमने इसमें ऐड किया। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको हम ऐसे ही 5 से 10 मिनट तक पकाएंगे। आप देख सकते हो ग्रेवी जो है वो मोटी हो चुकी है। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे मीट स्टॉक। सारा मीट स्टॉक हमने इसमें ऐड किया और अब हम इसे ऐसे ही पकाते रहेंगे जब से ही ये ग्रेवी जो है वो गाढ़ी हो जाए। दूसरे साइड से हमने लिए है प्याज, 2 मीडियम साइज के प्याज। जैसे ही ब्राउन हो जाएंगे हमने इन्हें प्लेट पर बाहर निकालना है और इन्हें हम मिक्सी में ब्लेंड करके इनका पेस्ट बनाएंगे। अनियन पेस्ट भी तैयार है। अब हम ये ऐड करेंगे इसी यखनी में, इससे मज़ा भी अच्छा हो जाएगा और यखनी गाढ़ी भी हो जाएगी। और सबसे लास्ट में हम ऐड करेंगे ड्राई पुदीना। ड्राई पुदीने से अच्छा टेस्ट आता है यखनी में। और यखनी तैयार, आप देख सकते हो कितना अच्छा कलर आ चुका है यखनी में। और इसे अब हम सर्व करके टेस्ट करेंगे। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना और मुझे ज़रूर बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी। Thank you for watching my video. Keep supporting.